दोस्तों जरा इस यंत्र को देखिए, कितनी आसानी से बस एक ही झटके में भुट्टे से सारे दाने को अलग कर दे रहा है। अब जरा गन्ने की आंख निकालने वाली इस मशीन को देखिए, बस एक झटके में गन्ने के बीज तैयार। दोस्तों मूंगफली से छिलके निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु इस यंत्र को देखिए, बस इसके हैंडल को दाएं बाएं घुमाने से ही मूंगफली के सारे छिलके अलग हो जा रहे हैं। दोस्तों आमतौर पर जो आलू हम उपयोग में लाते हैं वो हल्के पीले या मटमैले रंग के होते हैं, परंतु जरा आप अपनी नजर लाल लाल टमाटर की तरह इन आलुओं पर तो दौड़ाइए। दोस्तों आमतौर पर स्वीट कॉर्न का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, परंतु हथेली की उंगलियों की तरह पतली इन बेबी कॉर्न को तो जरा देखिए। दोस्तों ये सारे उन्नत तकनीक और यंत्रों का प्रदर्शन राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय नवाचार किसान मेला एवं प्रदर्शनी अंकुरण में किया गया। मेले में क्या था कुछ खास, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये मेज डिहस्कर कम सेलर यंत्र है, यानी कि मक्का या भुट्टे से छिलके और दाने अलग करने वाला यंत्र। ये यंत्र छोटे और मध्यम किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो भुट्टे की खेती करते हैं। इस यंत्र को चलाने के लिए किसी भी तरह की बिजली या ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है और इसे मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है। इस यंत्र को चलाने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है और इस यंत्र को आसानी से महिलाएं भी चला सकती हैं। क्षमता की यदि बात की जाए तो आपको बता दूं, इस यंत्र की सहायता से प्रति घंटा 28 से 30 किलो भुट्टे से दाने को अलग किया जा सकता है। लागत की यदि बात की जाए तो आपको बता दूं, इस यंत्र की लागत करीब 15,000 रुपए है और ये एक तरह का प्रोटोटाइप है, परंतु मांग के अनुरूप आगे इसे विकसित किया जाएगा और किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस यंत्र को कृषि अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों मेले में ग्राउंडनट शेलिंग मशीन का भी प्रदर्शन किया गया, यानी कि फल्ली से दाने अलग करने वाला यंत्र। कीमत की यदि बात की जाए तो आपको बता दूं, इस यंत्र की कीमत करीब 2,000 रुपए है। ये यंत्र आसानी से फल्ली से छिलके और दाने को अलग कर देता है। इस यंत्र को चलाने के लिए किसी भी तरह की बिजली या ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। ये पूरी तरीके से मैनुअली ऑपरेटेड एक यंत्र है। यह यंत्र 1 घंटे में करीब 50 किलो फल्ली से दाने को अलग कर देता है। वजन की यदि बात की जाए तो आपको बता दूं, इस यंत्र का वजन करीब 8 किलो है। इस यंत्र को भी कृषि अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अधिक लागत व अधिक बीज दर होती है, परंतु ये यंत्र गन्ने से आसानी से गांठ को अलग कर देता है, जिसमें गन्ने की आंख होती है, जिसे कि गन्ने के बीज के रूप में उपयोग किया जाता है। इस यंत्र का वजन करीब 3 किलो है। इस यंत्र को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लाया ले जाया जा सकता है। इस यंत्र में धारदार ब्लेड लगे होते हैं, जिसकी सहायता से गन्ने की आंख को अलग किया जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार इस धारदार ब्लेड को बदला भी जा सकता है। इस यंत्र की कीमत करीब 2,000 रुपए है। इस यंत्र का प्रदर्शन मेले में कृषि विज्ञान केंद्र सरगुजा द्वारा किया गया। यह यंत्र गन्ने से गन्ने की आंख को बड़ी ही सफाई से अलग कर देता है। इस यंत्र को चलाने के लिए किसी भी तरह के बिजली या ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों मेले में कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा बैटरी से चलने वाले सौ मशीन, ब्रश कटर और स्प्रेयर का प्रदर्शन किया गया। आमतौर पर बाजार में जो सौ मशीन और ब्रश कटर उपलब्ध होते हैं उसे पेट्रोल या डीजल से ऑपरेट किया जाता है, परंतु मेले में बैटरी से चलने वाले सौ मशीन, ब्रश कटर और स्प्रेयर का प्रदर्शन किया गया, जिसकी बैटरी को आसानी से चार्ज भी किया जा सकता है। क्या प्राइस? 1450 का है, 2200 का पड़ेगा। हाँ जो उसका वो है ये ठीक, कहाँ से कनेक्ट होगा?
अच्छा, ये बैटरी ऑपरेटेड है। चालू करके बताइएगा तो बटन को। चार्ज होने में कितना देर ऑपरेट होगा? सब अलग अलग लगभग। इसे कितना प्राइस होगा? ये 18,500। बैकअप जो रहता है वो 3 घंटे का रहता है, 1.5 घंटे के अंदर में चार्ज होता है। इसमें 23,500 का भी एक ऑप्शन है जिसमें आपका बैकअप रहता है तकरीबन 5 घंटे का, और 3 घंटे वाले में आप तकरीबन 3 टन तक का माल निकाल सकते हैं। 5 घंटे वाले में आप 5 टन तक का माल निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस मशीन में मेंटेनेंस नाम का कुछ नहीं होता है। ऑयल डालना है, चेन आपकी वो कंज्यूमेबल में रहता है, बाकी मशीन को यूज़ करिए, चलाइए। बैटरी इसमें जो यूज़ होती है वो लिथियम फेरस फॉस्फेट की है, जिसकी गारंटी वारंटी साल भर की मशीन के साथ आती है। चार्जर आपको गारंटी वारंटी के साथ आता है। आपका अगर मशीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है साल भर तक, तो मशीन को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैटरी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स ऑल्सो, वो भी कितना देर में फुल चार्ज हो जाएगा ये बैटरी? 1.5 घंटा। दोस्तों, आलू के बगैर शायद ही किसी के घर में कोई सब्जी बनती होगी, परंतु एंथोसायनिन पिगमेंट से भरपूर लाल आलू का सेवन आपने शायद ही किया होगा। लाल आलू की कुछ उन्नत किस्में खुफरी लोहित, खुफरी नीलकरण, खुफरी मानिक का प्रदर्शन आलू अनुसंधान केंद्र मैनपॉट के द्वारा किया गया। दोस्तों, आपको बता दूं, लाल आलू में कैलोरी कम मात्रा में पाई जाती है और पोटेशियम अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसका सेवन ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लाल आलू ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें विटामिन सी की भी मात्रा पाई जाती है, और ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायक होता है। तो स्वीट कॉर्न की तरह ही बेबी कॉर्न भी अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। इसका प्रदर्शन भी किसान मेले में किया गया। बेबी कॉर्न का उपयोग सलाद, सूप, सब्जी, अचार, कैंडी, पकोड़े, कोफ्ता, टिक्की, बर्फी, लड्डू, हलवा, खीर आदि पकवान बनाने के लिए किया जाता है। वैसे भारत में मक्के की खेती खरीफ और रवि 2 सीजन में की जाती है, परंतु बेबी कॉर्न किसान साल में 3 से 4 बार उगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। बेबी कॉर्न की उन्नत किस्में प्रायः 75 से 100 दिन में तैयार हो जाती है, और भारत में प्रायः बेबी कॉर्न फरवरी से नवंबर माह के बीच में उगाई जाती है। प्रदर्शनी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट के द्वारा रेजिन और सूखे फूल से तैयार घड़ियां, कीरिंग, ट्रे, प्लेट्स इत्यादि का प्रदर्शन किया गया, जो कि देखने में बेहद लाजवाब थे।